हेलो फैनवर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज के एज अ आयरन मैन के रोल को लेकर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को लेकर काफ़ी कुछ ज़्यादा थियरीज बन रही है, काफ़ी कुछ ज़्यादा रूमर्स है और काफ़ी कुछ ज़्यादा लीक भी निकल रही है। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि जो मूवी है उसमें जो है हमें टॉम क्रूज जो एज अ आयरन मैन का रोल निभाते हुए दिखेंगे। अब ये कैसे दिखेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एज अ रूमर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने लोकी सीरीज़ में देखा था कि लोकी के काफ़ी अलग अलग वेरिएंट थे, वैसे ही जो यहाँ पर इस मूवी में हमें जो है टोनी स्टार्क का एक अलग वेरिएंट दिखाया जाएगा, जिसका रोल निभाने वाले हमारे टॉम क्रूज। जी हाँ, वैसे तो पहले काफ़ी सारी चीज़ें भी थी जो कि अभी हमें पता चल रही है कि पहले जो है टॉम क्रूज का भी नाम जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था एज अ आयरन मैन रोल के लिए, बट यहाँ पर किसी वजह से जो है वो रोल जो है हमारे RDJ को दे दिया गया और यहाँ पर जो टॉम क्रूज को जो है वो रोल नहीं मिला। तो यहाँ पर फैंस का वही सपना जो है सच हो सकता है इस मूवी को लेकर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस जो वेरिएंट जो होगा, ये रूमर्स की मानी जाए तो ये जो आयरन मैन होगा, ये आयरन मैन होगा सुपीरियर आयरन मैन 1। जी हाँ, अब ये कहाँ पर अपडेट हुआ था, कैसे अपडेट हुआ था, कहाँ पर देखा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो है फर्स्ट अपीयरेंस हमने देखा था एवेंजर वॉल्यूम 5 इशू 32 में, जो रिलीज हुआ था जुलाई 2004 को। तो ये जो कैरेक्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ये है कि ये जो कैरेक्टर है कॉमिक में टोनी स्टार्क जो है वो सेटल हो जाता है सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे कि इसके काफ़ी ज़्यादा प्लान्स होते हैं सिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और इसका जो सूट है वो खुद बनाता है सिम्बेटिकल बायोलॉजिकल आर्मर। जी हाँ, यानी कि सिम्बेट जो है वो उसी के बायोलॉजिकल कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ करके हमारा जो टोनी स्टार्क है ये एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक जो है छोटे छोटे पार्टिकल वाला ये आयरन सूट बनाता है। जी हाँ, तो देखना अब ये है कि मूवी में सच में हमें टॉम क्रूज एज आयरन मैन का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे या नहीं। और एक चीज़ बता दूँ कि इस आयरन मैन का जो सूट है, आयरन जो सूट होता है वो वाइट कलर का होता है। आपका क्या कहना है इस अपडेट पर कि एज टॉम क्रूज को कैसे दिखाई देंगे टॉम क्रूज, या फिर हमारे टोनी स्टार्क के रोल में वही एटीट्यूड या फिर सारी चीज़ें RDJ से बेहतर या फिर कम? तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके किसी अगले वीडियो में, और हाँ, बी एडिक्टेड।